आईएम वासुदेव प्रजापति असिस्टेंट टीचर, यू आर मोस्ट वेलकम इन ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। टुडे टॉपिक इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें इंपरेटिव सेंटेंस आपको बताया जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है बिगिन फ्रॉम वर्ब होता है, और दूसरा जो होता है बिगिन विथ लेट होता है। तो वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस को आज हम बताएंगे। ये गुण होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के आशा के आधार पर हम आर वर्ब में, कमांडेड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज में, फॉरबिड में बदल देते हैं। दूसरा गुण यह है इसमें हम इन्वर्टेड कॉमास हटा करके कंजक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि वर्ब के पहले टू लगा दिया जाता है। और तीसरा गुण यह होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वोकेटिव केस को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। चौथा है सर या प्लीज या काइंडली आने पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है। अगर सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच में नॉट का प्रयोग किया गया है तो उसके लिए हम फॉरबिड का यूज करते हैं और रिपोर्टिंग फॉरबिड का यूज करते हैं और उसमें नॉट को हटा दिया जाता है। लेकिन यदि कहीं नेवर का प्रयोग आ जाता है तो उसमें हम परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा। ही एडवाइज टू हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। अब इसी के आधार पर हम आप लोगों को चार सेंटेंस दिए हैं डायरेक्ट बनाने के लिए। पहला है आई से कम हियर राम। दूसरा है द मॉनिटर से सर ग्रांट मी लीव फॉर 4 days। तीसरा है द मास्टर से टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी। चौथा है द टीचर से टू ही रिमेन स्टैंडिंग। ये चार सेंटेंस आपको दिए जा रहे हैं, आप लोग इसको साबित करेंगे। कहीं कोई दिक्कत होगी तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करेंगे। अगले टर्म पर आपको लेट से संबंधित सेंटेंस बताए जाएंगे। आज के दिन केवल इतना ही। टुमारो अगेन। थैंक्स।